जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारतीय नेवल शिप INS विक्रांत भारतीय नेवी में शामिल हो चुका है, लेकिन दोस्तों इस पर तैनात करने के लिए भारत जिन लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है अभी तक उनका चयन चल रहा है और भारत अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि आखिरकार भारत को कौन से लड़ाकू विमान को अपने INS विक्रांत के लिए खरीदना है। ऐसे में दोस्तों दो फाइटर जेट्स यहां पर श्रेणी में है। सबसे पहला है अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और दूसरा यहां पर फ्रांस का राफेल M है, जो कि इस पूरी प्रक्रिया में बने हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आखिरकार भारत किसका चयन करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब एक बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जो कि यहाँ पर काफी कुछ चेंज करने वाली है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत जितना डिले यहाँ पर कर रहा है उसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि भारत एक अच्छी डील को यहाँ पर देख रहा है, जिसकी वजह से भारत काफी समय यहाँ पर लगा रहा है। और दोस्तों समय लगाना भारत के लिए बनता भी है, क्योंकि भारत अब जो भी डील करना चाहता है वो मात्र लड़ाकू विमान के लिए नहीं बल्कि TOT के साथ करना चाहता है। और दोस्तों ये बड़ी बात होगी कि भारत अगर कोई भी लड़ाकू विमान यहाँ पर नेवी के लिए खरीदेगा तो उसके साथ ही भारत यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी लेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से क्या क्या फायदे भारत को यहाँ पर वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर भारत किसी लड़ाकू विमान को खरीदता है और साथ में उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेता है तो भारत आने वाले समय में अपनी एक मेंटेनेंस फैसिलिटी लगाकर उसको पूरे टाइम तक फैसिलिटी दे सकता है। और दोस्तों इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि भारत का यहाँ पर पैसा बचेगा और भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई भी लड़ाकू विमान का कोई भी पुर्जा बदला जाता है तो वह दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। और इसी को लेकर भारत अगर एक फैसिलिटी लगा लेगा तो वहां पर भारत अपनी पुर्जे बनाकर उसमें लगा सकता है। साथ ही इसकी ट्रबल शूट करना भारत खुद सीख जाएगा, जिसकी वजह से इनका जो ग्राउंडेड टाइम होगा वो काफी कम होगा और भारत ज्यादा समय तक ऐसे फाइटर जेट्स को यूज कर पाएगा। और दोस्तों भारत ने जिस तरह की TOT को लेकर यहाँ पर सत्य रखी थी, देखा जा रहा है कि अमेरिका के मन में अभी भी उनको लेकर काफी ज्यादा संदेह है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका किसी को भी अपनी वेपन टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करता है, लेकिन भारत सरकार भी अपनी जिद पर कायम है। और दोस्तों आप सभी को पता है अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए अमेरिका ने अपने F-18 का सबसे उत्तम वर्जन यहाँ पर भारत के लिए सो किया है। साथ ही भारत के लिए कुछ मिसाइल पैकेज को भी इसके साथ ही ऑफर किया है, लेकिन दोस्तों इससे भारत सरकार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में भारत सरकार का सीधे कहना है कि उसको TOT चाहिए। हालांकि दोस्तों ये सब चीजें अगर देखी जाए तो राफेल M में फ्रांस यहाँ पर पहले से ही देने को तैयार है, लेकिन दोस्तों अब भारतीय सरकार ये चाहती है कि अमेरिका की विमान निर्माता कंपनियां भारत के साथ मिलकर काम करें। बल्कि भारतीय सरकार तो ये तक चाहती है कि भारत के अंदर प्लांट लगाए जाएं, जिससे भारत के लोगों को यहाँ पर नौकरी मिले और भारत के अंदर फाइटर जेट्स बनते हैं तो उनकी कॉस्टिंग भी कम आए, क्योंकि भारत के विनिर्माण और सप्लाई चेन को इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। और दोस्तों दूसरी तरफ इससे ये भी फायदा हो सकता है कि भारत अपनी एविएशन इंडस्ट्री को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है। और दोस्तों इसके लिए भारत को नए जमाने की जेट टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी कि इंजन टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसके लिए अमेरिका के पास सबसे बेहतरीन जेट टेक्नोलॉजी है अवेलेबल है। और यही भारत चाहता है कि अमेरिका अगर भारत को अपनी जेट टेक्नोलॉजी दे देता है तो फिर भारत के लिए ये सबसे बड़ा ऑफर रहेगा। लेकिन दोस्तों बता दें कि अमेरिका इसको देना नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका एक बार देने की बजाय बार बार भारत से पैसा कमाना चाहता है। ऐसे में दोस्तों बाइडेन प्रशासन को जो कि अभी तक लगता है कि वो जो शर्तें रखेंगे भारत उन्हीं पर रहेगा, तो ये उनको गलत लगता है, क्योंकि भारत वो पिछले समय का भारत नहीं है, अब एक नया भारत है और ऐसे में भारत किसी भी डील को अपनी शर्तों पर लेगा। और भारतीय सरकार की तरफ से ये साफ लफ्जों में क्लियर कर दिया गया है कि अमेरिका हमारी शर्तों के मुताबिक फाइटर जेट्स को देने को तैयार हो या फिर हम राफेल M के साथ चले जाएंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि राफेल के साथ फ्रांस हमें काफी कुछ देने को तैयार है, साथ ही फ्रांस यहां पर हमारी शर्तों के मुताबिक राफेल में कई सारे चेंजेस डिजाइन को चेंजेस करने की बात भी कह चुका है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस यहाँ पर इंडियन नेवी के हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से राफेल में चेंजेस कर सकती है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर क्लियर भारत की तरफ से कर दिया गया है कि अगर अमेरिकी कंपनी अपनी जेट टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भारत के साथ शेयर नहीं करेंगी तो उनके लड़ाकू विमानों को भारत की रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।